एक जॉगर 10 किलोमीटर की जॉगिंग करके मेरे पास आई और आते ही फेंट हो गई। सबको लगा शायद ब्लड प्रेशर लो हुआ होगा या सुबह से कुछ खाया नहीं इसके कारण वो फेंट हो गए, लेकिन हमने डायग्नोज किया कि उनका 5 वीक्स का प्रेगनेंसी ट्यूब में था। यूट्रस में प्रेगनेंसी आते आते रुक गई थी। नॉर्मली प्रेगनेंसी यूट्रस में आनी चाहिए, लेकिन अगर वो ट्यूब्स या ओवरीज या यूट्रस के बाहर की किसी लोकेशन में आ जाती है उसे एक्टॉपिक या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें बेबी को तो बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता, लेकिन मम्मा को ज़रूर बचाया जा सकता है। इट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। अर्ली प्रेगनेंसी में खुद घर बैठे इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह जल्दी लें। कॉपर टी या गर्भ निरोधक उपाय सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लिमिटेड ड्यूरेशंस के लिए इस्तेमाल करें। यूट्रस में अगर इन्फेक्शंस हो या बार बार योनि मार्ग के इन्फेक्शंस होते हैं तो एक्टॉपिक का खतरा बढ़ जाता है, और एक बार एक्टॉपिक होने के बाद दोबारा भी एक्टॉपिक होने की संभावना रहती है, जिसमें कई बार ट्यूब्स या ओवरीज का डैमेज बहुत भयंकर होता है। सो मॉमीज बी स्मार्ट व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, गेट योर चेकअप डन एंड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने की। प्रेगनेंसी होते ही यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आते ही आपकी जानकारी में आते ही कि आप प्रेग्नेंट हैं जल्द ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें। आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।